इन दिनों एक नाम बॉलीवुड में खूब चर्चा बटोर रहा है, बी ब्रैक। फिल्म केसरी में तेरी मिट्टी सॉन्ग को लोगों ने सुना तो देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर यह गीत बैठ गया। इसके बाद तो बी ब्रैक एक सेंसेशन बन गए। कुछ दिनों के बाद एक और धमाकेदार सॉन्ग ने दस्तक दी और सीधे लोगों के दिलों पर राज करने लगा। टाइटल था किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। उसके बाद तो लोग बी ब्रैक के बारे में जानने के लिए उतावले होने लगे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बी ब्रैक के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि बी ब्रैक का असली नाम क्या है? बी ब्रैक का असली नाम है प्रतीक बच्चन। और आपको याद होगा कि बी ब्रैक अपने नाम में जो पहला बी लगाते हैं उसका मतलब भी बच्चन ही होता है, लेकिन बॉलीवुड में लोग उन्हें बी ब्रैक के नाम से ज्यादा जानते हैं। बी ब्रैक एक सिंगर के साथ साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने मन भरिया सॉन्ग से अपने करियर की शुरुआत की थी। उससे पहले वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर होते थे। साल 2019 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनका सबसे पहला सॉन्ग था फिल्म केसरी का टाइटल सॉन्ग केसरी। उसके बाद बी ब्रैक यानी प्रतीक बच्चन अक्षय कुमार की गुड न्यूज में म्यूजिक देने वाले बने। उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना भी गाया, साथ ही उन्होंने फिल्म बाला में गेस्ट म्यूजिक कंपोजर की भूमिका भी निभाई। प्रतीक बच्चन का जन्म चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम वारिंदर बच्चन है। प्रतीक बच्चन यानी बी ब्रैक के पिता वारिंदर बच्चन भी एक जाने माने पंजाबी म्यूजिक कंपोजर रह चुके हैं। बी ब्रैक के फिलहाल एल्बम ने सोशल मीडिया पर इतिहास ही रच डाला है। इस एल्बम को अब तक सिर्फ यूट्यूब पर 600 मिलियन बार देखा जा चुका है। बी ब्रैक ने अपना पहला डेब्यू पंजाबी सॉन्ग जस्सी गिल और हार्डी संधू के साथ गाया था और यह सॉन्ग था मन भरिया। बाटला हाउस मूवी की सॉन्ग ओ साकी साकी रे में नेहा कक्कड़ और तुलसी कुमार के साथ भी बी ब्रैक यानी प्रतीक बच्चन ने गाना गाया। बी ब्रैक ने तेलुगु गानों में भी हाथ आजमाया। महेश बाबू स्टारर फिल्म सरी लेरू निक्के वारू में सूर्यो देवो चंद्रो देवो गाने को बी ब्रैक ने ही आवाज दी थी। 2019 में आई फिल्म पति पत्नी और वो में सॉन्ग दिलबरा के रिप्राइज वर्जन को भी बी ब्रैक ने ही आवाज दी। हार्डी संधू की सुपरहिट हॉर्न ब्लो और बैकबोन, अरिजीत सिंह का सॉन्ग बड़ा पछताओगे, मनिंदर बटर का सॉन्ग लारे, ये सारे सॉन्ग बी ब्रैक ने ही डायरेक्ट किए। अभी तक तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा गानों को बी ब्रैक आवाज दे चुके हैं और तकरीबन 30 से भी ज्यादा गाने डायरेक्ट कर चुके हैं। मतलब बी ब्रैक बॉलीवुड के एक उभरते हुए सिंगिंग स्टार हैं। पिछले 2 साल में उन्होंने कई पंजाबी सिंगर को पहचान और मुकाम दिलाई है और अब वो खुद इस रास्ते पर चल पड़े हैं।